आईपीएल की नंबर 43 मुकाबले में आरसीबी ने राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हरा दिया है। आरसीबी के लिए आज की जीत में गेंदबाजी के बाद अहम भूमिका निभाई कर भारत 44 और 30 गेंद पर 50 रन की नाबाद पारी खेलने वाले ग्लेन मैक्सवेल ने मैच को जिता दी। टस हारकर बल्लेबाजी करने के लिए उत्तरी राजस्थान की पारी अच्छी शुरुआत है। एक के बाद 77 पर पहला विकेट गंवाने का बाद पूरी टीम 9 विकेट पर 20 ओवर में सिर्फ 149 रन ही बना सकते हैं। आरसीबी को अब जीतने के लिए 150 रन की जरूरत थी। आरसीबी के लिए हर्षल पटेल सर्वाधिक 3 विकेट, चहल और अहमद ने 2-2 विकेट ली है। आरसीबी अब में से 7 मैच जीतकर 14.7 तीसरे स्थान पर बरकरार है। संजय सैमसन की राजस्थान रॉयल 8 पॉइंट के साथ 7 नंबर में स्थिर है, इसलिए आरसीबी का राजस्थान रॉयल पर पलड़ा भारी है। अब आरसीबी सेमीफाइनल में जाने के लिए और 4 पॉइंट चाहिए। देखना यह है कि क्या अब की बार आईपीएल में इंडियन कैप्टन आईपीएल कप दुबई से साथ में लेंगे या नहीं। धन्यवाद। अगर आरसीबी ये जानना है कि अगर आरसीबी सेमीफाइनल जाता है तो इसका मुकाबला चेन्नई के साथ जरूर होगा। अगर चेन्नई के साथ आरसीबी का मुकाबला होता है तो चेन्नई का पलड़ा आरसीबी के ऊपर जरूर भारी रहता है। लेकिन अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आरसीबी के साथ खेलेगा तो ही आरसीबी के लिए जीतने का एक मौका बना सकता है, जिसके तरफ वो फाइनल जा सकती है।